झपटी लपेटी दुनिया सारी, और चीन है कपटी दुनिया झपटी लपेटी दुनिया सारी। आकर संकट दूर करो हे माधव मदन मुरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, मैं हूं दीपक कुमार। कोरोना ने जहां दुनिया में महामारी फैला रखी है और चारों तरफ इस महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं चीन भारत को आंख दिखाकर डरा रहा है। कोरोना और चीन को लेकर एसएसपी कार्यालय में एक जवान ने गीत लिख कर दिया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस गीत के माध्यम से लेखक ने भगवान से विनती की है कि इस कोरोना महामारी से दुनिया को बचा ले। जयप्रकाश यादव बरेली के एसएसपी कार्यालय क्राइम ब्रांच में 2 साल से हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। वे मूल रूप से ब्रज क्षेत्र मथुरा के रहने वाले हैं। अब तक उनके द्वारा चेतावनी, भक्ति, देशभक्ति लगभग 20 लोकगीत लिखे गए हैं। जयप्रकाश बताते हैं कि उनको बचपन से लिखने का शौक है। पुलिस की नौकरी के बाद समय मिलने पर वो लोकगीत लिखते हैं। इस समय कोरोना महामारी और चीन के नापाक इरादों के बारे में गीत लिखा है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस गीत के माध्यम से जयप्रकाश ने भगवान से प्रार्थना की है कि हर संकट को तुमने काटा है, कोरोना के संकट को भी हर लो। इस गीत के माध्यम से उन्होंने चीन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले पर भी घोर निंदा की है। इस कारण लोग उनके गीत को खूब पसंद कर रहे हैं। संसार परेशान है, कौन से गीत है? इस गीत के माध्यम से परमपिता परमेश्वर से विनती है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय आप सभी का यथायोग स्वागत, सम्मान, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, मेरे सभी वीर भारतवासियों, आज हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस कोरोना आपदा महामारी से जूझ रहा है। इस आपदा महामारी में जनता की सेवा, जनता की सेवा में, सुरक्षा में लगे हुए उन तमाम कर्मवीर योद्धा, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, सफाई कर्मी हैं, पत्रकार बंधु हैं, आदि और भी संस्थाएं हैं जो सड़कों, अस्पतालों, बाजारों, घरों घरों जाकर जनता की सेवा में, सुरक्षा में, अपने प्राणों और परिवार की चिंता छोड़कर दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे वीर कर्मवीर योद्धाओं को दिल से कोट कोट नमन वंदन करता हूं, और साथ ही उस परमपिता परमेश्वर से इस गीत के माध्यम से प्रार्थना, विनती और कामना करता हूं कि हे ईश्वर, कि कोरोना को दूर भगाना, रखना ध्यान हमारा, हमको तो बस एक है सहारा, तुम्हारा तुम्हारा सहारा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं और ये सिद्ध हो चुका है और चीन का असली चेहरा सामने आ चुका है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि चीन है कपटी दुनिया झपटी लपेटी दुनिया सारी, और चीन है कपटी दुनिया झपटी लपेटी दुनिया सारी। आकर संकट दूर करो हे माधव मदन मुरारी, सो भव सागर में फंसी है दुनिया, दे दो आज सहारा, हमको तो बस एक है सहारा, तुम्हारा तुम्हारा सहारा। और हे यदु नंदन जय जगवंदन ब्रजपति विपन बिहारी, और कोरोना को दूर भगाओ मोहन मदन मुरारी, सो कोरोना से बच जाएंगे, कर दो तन कई सारा, हमको तो बस एक है सहारा, तुम्हारा तुम्हारा सहारा। हे प्रभु, जब जब इस धराधाम पर संकट आया है, आपने किसी न किसी रूप में आकर के इस धराधाम की रक्षा की है। जैसे वराह रूप, जो शूकर का रूप था, कश्यप रूप, मोहिनी रूप, नरसिंह रूप, आज कितने प्रमाण और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, इसी आशा और विश्वास के साथ हे प्रभु। और जब जब संकट जग में आए, तब तब बने सहारे, जब जब संकट जग में आए, तब तब बने सहारे, और कोरोना कोई बड़ी बात ना, संकट हरो हमारे, सो देख रहे राकेश आज जेपी ने तुम्हें पुकारा, हमको तो बस एक है सहारा, तुम्हारा तुम्हारा सहारा। धैर्य और शक्ति रखो सभी, धैर्य और शक्ति रखो सभी, ये दिन भी गुजर जाएंगे, और कोरोना पैदा करने वालों के, कोरोना पैदा करने वालों के
चेहरे उतर जाएंगे। कब उतरेंगे? जंग कोरोना से निश्चित ही हम सब जीत जाएंगे, जंग कोरोना से निश्चित ही हम सब जीत जाएंगे। तब सभी मिलकर जेपी विश्व से ऊपर जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। यदि कोई गलती हुई हो उसे माफ करना। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे राधे, जय माधव। बरेली से ऋषिपाल गंगवार की रिपोर्ट।